गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ये चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो गया. फिल इन द ब्लैंक्स करवा दी मैंने. चूज द करेक्ट ऑप्शन करवा दिया. ट्रू फॉल्स करवा दिया. अभी नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इन इन्वॉल्व इन. इसका नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. तो आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. नंबर 2 चीविंग ऑफ फूड. तो आंसर आएगा बुकल कैविटी. नंबर 3 किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. तो आंसर आएगा स्टमक. नंबर 4 कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. तो आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ फीसेस. तो आंसर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. एक सिमिलरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बिटवीन बताना है. सिमिलरिटी क्या है? अमीबा शोज फूड इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड एक्सेशन. इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन ऑल्सो शोज फूड इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड एक्सेशन. डिफरेंस क्या है? अमीबा कैप्चर्स द फूड बाय पेस्टिडोपोडिया एंड डाइजेशन ऑकर्स इन फूड वैक्यूले. ह्यूमन टेक्स द फूड बाय माउथ एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 आर सूटेबल आइटम इन कॉलम 2. जो 1 और 1 के कॉलम को जो सूट होगा वो आंसर 2 में से ढूंढ के आपको लिखना है. अभी 1 के आपको ऑप्शन ये बता देती हूँ. सैलिवरी ग्लैंड, स्टमक. नंबर 3 लीवर. नंबर 4 रेक्टम. नंबर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन. नंबर 6 लार्ज इंटेस्टाइन. इसके जो कॉलम 3 है जो उनको सूट होता है वो आंसर आपको ढूंढ के लिखना है. ए है बाइल जूस सिक्रेशन. बी है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. नंबर 3 सैलिवा सिक्रेशन. नंबर डी एसिड रिलीज. नंबर ई है डाइजेशन इज कंप्लीटेड. एफ है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जी है रिलीज ऑफ फेसेस. अभी नंबर 1 का आंसर आएगा सी सैलिवा सिक्रेशन. नंबर 2 स्टमक है. स्टमक का क्या आंसर आएगा? स्टमक का आंसर आएगा डी एसिड रिलीज. नंबर 3 लीवर का आएगा बाइल जूस सिक्रेशन ए. नंबर 4 रेक्टम का क्या आंसर आएगा? बी स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. नंबर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ई आएगा डाइजेशन इज कंप्लीटेड. नंबर 6 लार्ज इंटेस्टाइन. तो आंसर आएगा एफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये आपके क्या हो गए? मैच द फॉलोइंग हो गए हैं. अभी लेबल द ग्यूज डायग्राम ऑफ द डाइजेस्ट. आपको लेबल लगाना है डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी डाइजेस्ट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. देखो ये ओनली रोज. देखो इसमें तो खाली आपको डायग्राम ही करना है. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन बी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस. ओनली रोज लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास आर सेल्युलोज कंटेनिंग डाइटरी सब्सटेंसेस बट सेल्युलोज इज अनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट ऑफ फूड फॉर अस. इवन इफ दीज सब्सटेंसेस आर ईटन आफ्टर कुकिंग वी कैन नॉट गेट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन एंड वी कैन नॉट सर्वाइव. अभी आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करवाऊंगी.
जो आपको करने हैं। Which of the following is the mode feeding is python? Chewing, bee sucking, elimination, डी स्वेलोइंग। तो इसका आंसर आएगा डी स्वेलोइंग। नेक्स्ट नंबर टू है डाइजेशन ऑफ बीफ कंपोनेंट ऑफ फूड बिगिन इन बुकल कैविटी। इसके ऑप्शन है ए स्टार्च, बी फैट्स, सीड विटामिन एंड डी प्रोटीन्स। तो इसका आंसर आएगा ए स्टार्च। Which taste can be detected by the tip of the tongue? तो उस आंसर आएगा ऑप्शन है ए सार, बी सॉल्टी, सी बिटर, डी स्वीट। तो आंसर आएगा डी स्वीट। नंबर फोर है पार्शियल डाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑकर्स इन स्टमक। ऑप्शन है ए स्टार्च, बी फैट, सी प्रोटीन और डी सेलुलोज। तो इसका आंसर आएगा डी सी प्रोटीन। वी नेक्स्ट नंबर फाइव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसका ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी वाटर, डी एमिनो एसिड्स। तो इसका आंसर आएगा बी स्टार्च। नंबर सिक्स इन व्हिच ऑर्गन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इज कंप्लीट। तो ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, बी ओएसोफेगस, सी स्टमक एंड डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आंसर आएगा डी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट नंबर सेवन है व्हिच सिंपल सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी सेलुलोज, थ्री फैटी एसिड एंड डी अमीनो एसिड। तो आंसर आएगा डी अमीनो एसिड। नेक्स्ट नंबर एट है वेयर आर द विली लोकेटेड, इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन ओएसोफेगस। तो इसका आंसर आएगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन बी। नंबर नाइन इन व्हिच ऑर्गन आर डिजीज ड्यूसेस नॉट प्रोड्यूस, इन सैलिवरी ग्लैंड, इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर आएगा इन लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट नंबर टेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ऑप्शन है ह्यूमन, बी डॉग, सी काउ एंड डी कैट। तो आंसर आएगा सी काउ। ये आपके क्या हो गए, चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जो मैं आपको करवा देती हूँ फिर आपको करनी है, ठीक है। द एडल्ट ह्यूमन बींग हैज टीथ, तो कितने टीथ हैं, तो 32। तो ब्लैंक में लिखना है 32। इन द माउथ सेलिवा कन्वर्ट स्टार्च इंटू शुगर, ब्लैंक में आएगा शुगर। इन द माउथ सेलिवा कन्वर्ट इंटू स्टार्च इंटू शुगर। नेक्स्ट नंबर थ्री बिटर टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड ऑन ब्लैंक है रीजन ऑफ द टंग। तो इसका आंसर आएगा पोस्टेरियर, ब्लैंक में क्या लिखना है पोस्टेरियर। नंबर फोर इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग जनरली देर आर मोलर टीथ, तो 12 आएगा। तो ब्लैंक में क्या लिखना है 12। बाइल इज स्टोर्ड इन, क्या आएगा बाइल स्टोरिन, तो गैल ब्लेडर। तो ब्लैंक में लिखना है गैल ब्लेडर। नंबर सिक्स द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स, तो आंसर आएगा इंटेस्टिनल। नंबर सेवन है कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर डाइजेशन के कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर, तो आंसर आएगा
ग्लूकोज, तो ब्लैंक पे लिखना है ग्लूकोज। नंबर एक डाइजेशन ऑफ ब्लैंक एग इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, तो आएगा प्रोटीन। नंबर नाइन द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो ब्लैंक में लिखना है फैट्स। रुमिनेंट्स एनिमल ईट एंड स्वेलो ग्रास क्विकली एट स्टोर इट इन, तो आंसर आएगा रुमेन। ये क्या हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। मैंने ये क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिया, जो आज मैंने करवाया आपको करना है क्लास वर्क की बुक में और लर्न भी करना है, ठीक है। होमवर्क की बुक में लिखना है और क्लास वर्क की बुक में भी लिखना है। Thank you.